हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बात करेंगे यूके से लौटे 32 एनआरआई के। ये साइबर सिटी गुरुग्राम में यूके से लौट कर आए थे लेकिन लापता हैं और इनके लापता होने की वजह से जिला स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। तमाम कोशिशों के बाद इन 32 लोगों की जानकारी सामने न आने पर जिला स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है। इन सभी एनआरआई की लिस्ट पुलिस को सौंप दी गई है। सबके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। इन सभी एनआरआई की लिस्ट जो पुलिस के पास है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। जिले के चीफ मेडिकल की माने तो बीती 8 दिसंबर से अभी तक ब्रिटेन से गुरुग्राम पहुंचे 367 लोगों की जांच की गई, जिसमें एक शख्स में कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण पाए गए हैं। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग ने इस मरीज के परिजनों के सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए हैं। गुरुग्राम में कुल मिलाकर 722 जो हैं यूके से यात्री लौटे हैं, अगर हम 25 नवंबर के बाद की बात करें, और उनमें से हमने 690 लोगों को ट्रेस आउट किया हुआ है, जिसमें से 526 लोग जो हैं गुड़गांव में रह रहे हैं और 164 लोग हैं वो जो बाहर मूव कर चुके हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में या दूसरी स्टेट में जो जा चुके हैं। इन 526 में से जिनको टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट थी वो 370 लोग थे, यानी जो 8-9 दिसंबर के बाद की जिनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट, में सभी 370 की जांच हो चुकी है। उनमें से एक पॉजिटिव आया है और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए टेस्ट जो है वो भेजा जा चुका है। 32 ऐसे लोग हैं जिनका मोबाइल या एड्रेस गलत है, जो गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट आई है वो लिस्ट हमने पुलिस विभाग को सौंप दी है और हमें जल्दी उम्मीद है कि पुलिस उनका एग्जैक्ट एड्रेस और ट्रेसिंग करके हमें वापस देगी, ताकि इनके हम टेस्टिंग या आगे जो भी।